हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम इंग्लिश लिटरेचर में देखेंगे रेनासा पीरियड 1516 से 1660। सो डॉन ऑफ रेनासा जब शुरू ही हुआ है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स हम देखेंगे। 1485 रूल ऑफ हेनरी VIII, 1492 कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, 1509 एक्सेशन ऑफ हेनरी VIII, 1547 एक्सेशन ऑफ एडवर्ड VI, 1553 एक्सेशन ऑफ क्वीन मैरी, 1558 एक्सेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। मेजर बुक्स ऑफ द पीरियड, इस टाइम की कुछ मेजर बुक्स हैं जो हमें बिल्कुल मुँह ज़ुबानी याद होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थॉमस मोर यूटोपिया, थॉमस मोर ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी यूटोपिया 1516 में। विलियम टिंडेल ने बाइबल 1525 में और टोटल्स मिसेलिनी 1557 में। तो ये कई बार थोड़ा सा 1557 और 1558 भी बोल देते हैं टोटल मिसे लेने के लिए। तो अभी ऐसे होते हैं ना इंग्लिश लिटरेचर में कुछ चीज़ों में थोड़ा सा एक आधे साल का ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही पुराने चीज़ें हैं। ओरिजिन ऑफ रेनासा, अब रेनासा शुरू कब हुआ? रेनासा का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। सो इट वॉज स्टार्टेड इन इटली इन 14th century में स्टार्ट हुआ इटली में। टर्क्स अटैक कॉन्स्टेंटिनोपल, इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को अटैक किया जहाँ पे लिटरेचर जो है मैनुस्क्रिप्ट्स मतलब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में रखा हुआ था, एंड स्कॉलर्स स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑल्सो वेंट टू इटली। तो वहाँ पे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अब क्योंकि अटैक किया तो अटैक करने में उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी, तो जितने भी वो लोग बचा सकते थे वहाँ पे जो स्कॉलर्स थे जितना भी सामान वो बचा सकते थे वो उठा के अपने साथ जगह जगह ले गए और वो इटली भी चले गए। इट बिगैन इन इटली इन 14th century बट स्टिम्युलेटेड बाय द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अभी हमने पढ़ा जैसे कि कॉन्स्टेंटिनोपल था वॉज ऑफ सेंटर ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का सेंटर था, यहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई होती थी, ठीक है, पढ़ते थे। इन जर्मनी इन्वेंशन ऑफ प्रेस बाय गुटेनबर्ग लेड टू स्प्रेड ऑफ एंशियंट लिटरेचर, देयर वाज अ ट्रांजिशन इन द आउटलुक ऑफ लिटरेचर। तो अब जर्मनी में एक इन्वेंशन हुआ, वो हुआ प्रेस का इन्वेंशन, ठीक है, जिसने क्या करा, जो किसने इन्वेंट किया था, गुटेनबर्ग ने, लेड टू स्प्रेड ऑफ एंशियंट लिटरेचर, देयर वाज अ ट्रांजिशन इन द आउटलुक ऑफ लिटरेचर एंड इट मूव फ्रॉम रिलीजियस टू सेक्युलर आउटलुक एंड इट लेड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एज अ सब्जेक्ट। अब लिटरेचर में जो है यहाँ पे काफ़ी लिटरेचर में हमने चेंज देखा बिकॉज ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ प्रेस रेनासा। अब रेनासा स्टार्ट किससे हुआ? ये स्टार्ट हुआ विद हेनरी VII एंड ही वॉज ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। हेनरी VII से स्टार्ट हुआ और वो आर्ट और लिटरेचर के काफ़ी बड़े मतलब पसंद करते थे आर्ट एंड लिटरेचर को, एंड सो वॉज हिज फादर एंड देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन। तो वही उनके फादर भी पसंद करते थे वो भी, और उन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन हुआ। हेनरी VII सॉ दैट हिज नेबरिंग कंट्रीज गेटिंग रिचर एंड रिचर इन आर्ट एंड लिटरेचर। अब जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है तो वो हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखता है। तो हेनरी VII ने देखा कि उनकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो बिल्कुल अमीर होती जा रही हैं, किसमें, आर्ट एंड लिटरेचर में। ही इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, तो उन्होंने अपने ऐसी कंट्रीज के साथ जो आर्ट एंड लिटरेचर में काफ़ी रिच हो रही हैं उनके साथ क्या करा, अपने रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे किए, इम्प्रूव करे। ही यूज हिज वेल्थ इन दिस फील्ड, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज वर स्टार्टेड, और इस फील्ड में उन्होंने अपनी वेल्थ को यूज किया और फिर वहाँ पे स्टार्ट हुआ जो आज हम सुनते हैं ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टार्ट हुई। हेनरी VIII सेंट मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम इंग्लैंड टू गेन ग्रीक रोमन लिटरेचर, क्योंकि बेस जो है वो ग्रीक और रोमन को ही माना जाता है, तो इसलिए हेनरी VIII ने बहुत सारे स्कॉलर्स को इंग्लैंड से कहाँ भेजा, ग्रीक रोमन लिटरेचर को गेन करने के लिए भेजा। इन दिस वे देयर वॉज एन इम्प्रूवमेंट इन लिटरेचर, और इस वजह से लिटरेचर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। अब रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड बाय वाइकलिफ। वाइकलिफ ने रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया और उसको एक्सेलरेट किया हेनरी VIII ने, मतलब आगे बढ़ाया। वॉज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड रिफॉर्मेशन, इसको सेकेंड रिफॉर्मेशन भी कहा गया है। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है एक रिलीजियस मूवमेंट। इट स्टार्टेड इन जर्मनी, अब ये रिलीजियस मूवमेंट जो है वो जर्मनी में स्टार्ट हुआ। मार्टिन लूथर ने
95 थीसिस लिखे अगेंस्ट पैपल अथॉरिटीज, शोड वीकनेस ऑफ रोमन कैथोलिक्स एंड एट दिस टाइम हेनरी एट सपोर्टेड चर्च एंड हेनरी एट वॉज ऑल्सो कॉल्ड डिफेंडर ऑफ फेथ. तो उन्होंने इस समय पे चर्च को सपोर्ट किया, उनको डिफेंडर ऑफ फेथ भी कहा गया. हेनरी एट जो है वो 6 टाइम्स उनकी शादी हुई एंड वॉज ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स एंड 1 सन. और उनकी सबसे पहली वाइफ थी कैथरीन ऑफ आर्गन. ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया है, हु वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हेनरी एट. नाउ अब इस समय पे पोप कंसिडर्ड हेड ऑफ द स्टेट एंड चर्च, व्हेनेवर किंग कमिटेड मिस्टेक ही वॉज ब्रॉट टू चर्च. तो इस समय पे पोप के पास काफी पावर होती थी, अगर राजा ने भी कोई मिस्टेक करी है तो उसको उसके कमिटमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, चर्च लाया जाएगा. किंग मैरिड एनी ऑफ बोहेमिया, नाउ ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज चर्च. अब राजा ने एनी ऑफ बोहेमिया से शादी कर ली, अब वो चर्च का भी हेड बन गया और स्टेट का भी हेड बन गया. सो दिस वॉज इंट्रोडक्शन. थैंक यू.